बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2। आज इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रेडिकल इक्वेशन एंड देन फिर पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन। हमारे रेडिकल इक्वेशन की तरफ, सो रेडिकल इक्वेशन आर द इक्वेशन इन विच द अननोन वेरिएबल्स आर इंक्लूड इन द रेडिकल साइड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल या अननोन जो हो वो रेडिकल साइड के अंदर हो, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 2x² √+5 = लेट्स से मैं कहता हूँ 10। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है लेकिन इसमें अगर आप लोग को ये वेरिएबल या जिसको अननोन कहा जाता है, ठीक है, वेरिएबल ये आप लोगों के पास इस रेडिकल साइन के अंदर है। ठीक है, सो इस टाइप इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन। सो लेट्स अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और मिसाल दे रहा हूँ, लेट्स है 3x + 5, अब ये 5 में स्क्वायर रूट में लिख रहा हूँ, = लेट्स है 10। अब यहाँ पे ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल हमने कहा था कि ये वेरिएबल आप लोगों के पास रेडिकल साइन के अंदर हो। यहाँ पे ये 5 कॉन्सेंट्रम है, ये अब रेडिकल साइन में हो या ना हो हमारा काम इस अननोन के साथ है। अगर ये अननोन जिसको वेरिएबल कहा जाता है अगर ये रेडिकल साइन के अंदर हो तो हम कहते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन होगा, अदरवाइज ये रेडिकल इक्वेशन फिर नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, √+2 = लेट्स से 8। तो अब मैं यहाँ पे एक्स के क्या वैल्यू पुट करूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मींस इससे लेफ्ट साइड और राइट साइड से सेम रिजल्ट आ जाए। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, जब आप इस x की वैल्यू मालूम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, सो लेट्स से यहाँ पे मैं x की कीमत 36 पुट कर रहा हूँ, मीन्स 36√+2 = 8। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें 36√ विच इज 6। ठीक है, सो 6+2 = 8। सो लेफ्ट साइड से भी आप लोगों का 8 आंसर आ रहा है और राइट साइड से, सो मींस इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, मींस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोगों के पास क्या आ रहा है, दैट इज x = इसकी जगह मैंने क्या रखा था 36। ठीक है, अगर आप x की जगह 36 रख ले तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। ठीक है, मसलन लेट्स है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ, मींस x² √+2 = 8। सो इसमें ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो वेरिएबल है जो स्क्वायर रूट में है या क्यूबिक रूट में है उसको आप एक साइड पे शिफ्ट कर दो और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप दूसरे साइड पे शिफ्ट करो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड पे। सो यहाँ पे मैं इस एक्स को साइड पे छोड़ रहा हूँ और इस 2 को मैं उस साइड मींस राइट साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ। सो यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, सो इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से ख़त्म करना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, +2, सो यहाँ से मैं 2 माइनस करवा रहा हूँ, तो यही काम मैंने राइट साइड पे भी करना है। यहाँ पे मैंने 2 माइनस कर दिया तो आप यहाँ पे भी क्या करो, 2 माइनस कर दो। ठीक है, सो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो रहा है, +2 और -2, सो मीन्स x² √ = यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, जब आप लोग इस फर्स्ट स्टेप ये आप लोगों का हो जाएगा कि वेरिएबल को एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दे। ठीक है, दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप जब आप ये अलहदा कर लेते हैं, मीन्स वेरिएबल को एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड पे, तो नेक्स्ट हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करवा रहा हूँ कि दोनों साइड स्क्वायर ले रहा हूँ, मीन्स ये यहाँ पे भी स्क्वायर ले रहा हूँ तो राइट साइड पे भी स्क्वायर लूंगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट मीन्स आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो रहे, सो मीन्स एक्स आप लोगों के पास इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट इज 36। ठीक है, वहाँ पे मैंने तो डायरेक्ट लिखा था कि एक्स की कीमत मैं 36 लिख रहा हूँ, ये आप लोगों का एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ
इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 7.2 की तरफ आ रहा हूँ, उसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आप लोगों को इसी तरह कहा जाए कि रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करो, ज़रूरी नहीं, वहाँ पे होगा ओके सॉल्व द इक्वेशन, फिर आप लोगों ने चेक करना है कि इसमें रेडिकल इन्वॉल्व है या नहीं। ठीक है, सो हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2√a − 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो मीन्स इसका सोल्यूशन आप लोगों के पास ये हो जाएगा कि 2a√−3 इज इक्वल टू 7। सो फर्स्ट अपने इस 3 को ख़त्म कर दें यहाँ से। ठीक है, सो ये माइनस है, सो एडिंग 3 बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों साइड को 3 ऐड करने से मीन्स 2a√−3 प्लस 3 इज इक्वल टू 7+3। ठीक है, एडिंग 3 बोथ द साइड्स। ठीक है, आप लोग साथ लिख भी सकते हैं एडिंग 3 बोथ द साइड्स। सो ये प्लस 3 और माइनस 3 आपस में कैंसिल हो रहे, सो नाउ 2a√ इज इक्वल टू 7+3 दैट इज 10। ठीक है, अब हमने इस 2 को ख़त्म करना है, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2 मीन्स लेफ्ट साइड को भी आप 2 से डिवाइड करें और राइट साइड को भी 2 से डिवाइड करें। सो ये 2 आपस में कैंसिल हो गया है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों का रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 5s are 10। ठीक है, मीन्स आप लोगों का a√ इज इक्वल टू 5। सो ये आप लोगों ने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। अब इस स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर बोथ द साइड मीन्स a√ इस साइड पर मैं स्क्वेयर ले रहा हूँ, सो राइट साइड पर भी स्क्वेयर लूंगा। ठीक है, सो दैट इज वॉट 5 square। सो ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो रहा है, सो a इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो ये आप लोगों सॉरी 5 square 25 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें, अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप लोगों ने फिर वेरीफाई करना होगा, लेकिन वैसे चलो हम इसको वेरीफाई करते हैं, अपने आंसर को चेक करने के लिए हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो वेरीफिकेशन आप लोगों का ये हो जाएगा कि 2 ऑफ हमारा क्वेश्चन ये था ना 2a√−3 इज इक्वल टू 7। अब नाउ a की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, दैट इज जो हमारा आंसर आया था 25 का, चूंकि स्क्वेयर रूट हो जाएगा −3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो यहाँ से 2 और 5 का स्क्वेयर रूट विच इज 5, 25 का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा 5 − 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 − 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो 10 − 3 = 7 इज इक्वल टू 7। सो मीन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो सोल्यूशन a इज इक्वल टू 25 आ रहा था, दैट इज करेक्ट। नंबर 2 में कह रहे हैं कि आप लोगों को ये इक्वेशन गिवन है और इसको b के लिए सॉल्व करें। ठीक है, सो 8+3b√ इज इक्वल टू 20। ठीक है, सो यहाँ से पहले मैंने क्या करना होगा, इस 8 को ख़त्म करना होगा और फिर लास्ट में इस 3 को ख़त्म करना होगा। ठीक है, जो आप लोगों के पास अननोन है उसको आप एक साइड पे शिफ्ट करें और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको आप सेकंड साइड पे। सो फर्स्ट हम इस 8 को ख़त्म करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 8 बोथ द साइड्स। सो यहाँ पे मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड से मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो राइट साइड पे भी मैंने सब्ट्रैक्ट करना होगा। ट्वेंटी और यहाँ से क्या हो जाएगा −8। ठीक है, ये 8 मैंने यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो राइट साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 8 बोथ द साइड्स। सो ये +8 − 8 आपस में कैंसिल हो रहे, सो मींस लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास 3b√ इज इक्वल टू 20 − 8 विच इज इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट हमने इस 3 को ख़त्म करना है। ठीक है, हमें सिर्फ b चाहिए यहाँ पे। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3। ठीक है, सो 3 से मैं डिवाइड करवा रहा हूँ, सो यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो रहे और 3 4s are 12। ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों के पास क्या जाएगा, दैट इज 4। सो b√
इज इक्वल टू व्हाट, 4. सो यहाँ पे हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड. सो ये आप लोगों के पास बी स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. ठीक है, ये बी स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहा है, सो मीन्स बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 16. ये आप लोगों का आंसर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप लोग चेक करें, यहाँ पे आप लोगों को क्या बना है, 7 माइनस 2 बी होल स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 3. सो यहाँ पे ये साइन आप लोगों के पास नेगेटिव है, तो पहले आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि 7 को शिफ्ट करें फिर आप लोगों ने माइनस उस पर डिवाइड करना होगा. सो मैं इसको शिफ्ट करवा रहा हूँ, मीन्स आप लोगों के पास ये 7 माइनस 2 बी स्क्वायर रूट और प्लस 2 बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 और प्लस 2 बी स्क्वायर रूट. ठीक है, ये नेगेटिव साइन था तो इसलिए इसको मैंने दोनों साइड पे ऐड कर दिया. ठीक है, ये अब आप लोगों के पास कैंसिल हो रहा है, सो मीन 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 बी स्क्वायर रूट. ठीक है, अब इस 3 को आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का वेरिएबल लेफ्ट साइड पे हो राइट साइड पे हो. ठीक है, सो इस 3 को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो इस साइड पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो आप डायरेक्ट बी पर आप लिख सकोगे. ठीक है, ये आप लोगों का चूँकि फर्स्ट टाइम है तो हम स्टेप बाई स्टेप करवा रहे हैं, अदरवाइज आप इसको इस तरह अगर इस साइड पर शिफ्ट करवा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, तो ये यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, इस साइड पे ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसी तरह अगर कोई टर्म माइनस है तो उस साइड दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से ही वहाँ पे ये प्लस हो जाएगा. अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे शिफ्ट करने से डिवाइड हो जाएगा. अगर डिवाइड हो रहा है तो दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बी नाउ व्हाट, माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 2 बी स्क्वायर रूट. ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर रूट. ठीक है, इसको मैंने जानबूझ के इस तरह अब इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आप कोई भी वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड या राइट साइड पे शिफ्ट करवा सकते हैं. सो टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, ठीक है, सो मीन्स आप लोगों का 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर रूट. ठीक है, इसका भी आप लोग क्या करें, स्क्वायर करें. सो ये हम स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं कि इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए. ठीक है, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट, 16 इज इक्वल टू. ठीक है, यहाँ पे ये 2 बी रह जाएगा, स्क्वायर रूट हम ख़त्म कर चुके हैं. ठीक है, सो अब यहाँ से इस 2 को हमने ख़त्म कर दें, ये याद रहे कि ये 2 भी साथ स्क्वायर रूट के अंदर ही था. सो अब इसको डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, इसको भी 2 से डिवाइड करें और इसको भी 2 से डिवाइड करें. सो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ से क्या रहे, दैट इज़ बी इज इक्वल टू 16 या 8 इज इक्वल टू आप लोगों के पास, ठीक है, 2 8 16 आ रहे. सो 8 इज इक्वल टू व्हाट, बी. सो दिस मीन्स कि बी इज इक्वल टू आप लोगों का क्या रहे, दिस इज़ योर सोल्यूशन सेट. ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप लोग चेक करना है, यहाँ पे आर लेकिन ये दोनों साइड पे इन्वॉल्व है. ठीक है, सो फर्स्ट इस आर को मैं इस साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ, सो यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, सो सब्ट्रैक्टिंग आर स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स मीन्स 8 आर स्क्वायर रूट माइनस 5 और इज इक्वल टू, चलो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर रूट प्लस 9. सो लेफ्ट साइड पे भी आप लोग क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो आर स्क्वायर रूट और राइट साइड को भी करो आर स्क्वायर रूट. ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे, एक प्लस है और एक माइनस. ठीक है, सो 8 यहाँ ये इसका कोफिशेंट 8 है और इसका कोफिशेंट 1 है. सो इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, ये आप लोगों के पास एक ही टर्म कंसिडर होगा. ठीक है, इस तरह ये आर स्क्वायर रूट, सो मीन्स 8 माइनस 1 दैट इज 7. ठीक है, 7 आर स्क्वायर रूट माइनस 5 इज इक्वल टू 9. अब इस माइनस 5 को हमने
इस साइड से राइट साइड से ख़त्म कर दें। सो क्या करें, यहाँ पे ये माइनस है तो उस साइड पे शिफ्ट होके ये प्लस हो जाएगा, या आप एडिंग फाइव बोथ द साइड्स, ठीक है। सो चलो मैं कर रहा हूँ एडिंग फाइव बोथ द साइड्स, ठीक है। सो ये आप लोग नेक्स्ट आप लोग फिर डायरेक्ट कर सकोगे, ठीक है, कि ये बजाय ये कि आप दोनों साइड फाइव ऐड करो, इसके लिए बेहतर आप लोगों के पास आसान ये होगा कि आप क्या करो, इस फाइव को उस साइड पे शिफ्ट करो तो ये प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। आसान तरीका ये होगा। अब ये प्लस फाइव माइनस फाइव आपस में कैंसिल हो रहे, सो मीन सेवन आर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू फाइव, नाइन प्लस फाइव दैट इज़ वॉट फोर्टीन। अब ये सेवन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे तो उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, या डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय सेवन। सो इस साइड को भी आप सेवन से डिवाइड करो तो राइट साइड को भी सेवन से डिवाइड करो, ठीक है। ये आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा, लेकिन चूंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा इसलिए हमारे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सो दिस मीन्स आप लोगों के पास ये आ रहे हैं। सो इस स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वेयर बोथ द साइड्स, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वेयर बोथ द साइड्स, सो मीन्स आर स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर इज इक्वल टू टू स्क्वेयर। सो स्क्वेयर रूट और ये स्क्वेयर आपस में कैंसिल, सो मीन्स आर इज इक्वल टू टू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू वट फोर। सो ये आप लोगों का सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इस माइनस थ्री टी को उस साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस थ्री बड़ा है इससे। सो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, लेकिन अब यहाँ पे चलो मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे से आप लोगों के पास रिजल्ट माइनस में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स है इसको मैं लिख रहा हूँ, मीन्स जो गिवन क्वेश्चन है मीन्स दिस, चलो इस टी स्क्वेयर रूट को मैं इस साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ। सो क्या करूँगा, माइनस टी स्क्वेयर रूट बोथ द साइड से आप लोग क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। सो मीन्स या यहाँ पे ये प्लस है, इस साइड पे शिफ्ट होके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो मीन्स ट्वेंटी माइनस थ्री टी स्क्वेयर रूट, और ये भी आप लोगों का माइनस टी स्क्वेयर रूट हो जाएगा, ठीक है, इस साइड पे शिफ्ट होने से, ठीक है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने से आप लोगों के पास ये माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस फोर अपनी जगह पे। सो यहाँ से आप लोगों के पास आ रहे ट्वेंटी माइनस थ्री और ये माइनस वन, ठीक है, सो माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर टी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू माइनस फोर। अब इस 20 को हमने उस साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट करने से यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो माइनस फोर टी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू माइनस फोर, और इस 20 को शिफ्ट करवा रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 20, ठीक है। सो मीन्स माइनस फोर टी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू माइनस 24। सो इस माइनस फोर को हमने ख़त्म करना है, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई माइनस फोर, ठीक है। सो इस साइड को भी आप माइनस फोर से डिवाइड करें और राइट साइड को भी माइनस फोर से डिवाइड करें। सो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, फोर फोर के साथ, और यहाँ पे ये माइनस माइनस के साथ, और सिक्स फोर ज़ा 24, ठीक है। सो मीन्स ये सिक्स से कैंसिल हो रहा है, सो मीन्स टी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू वट सिक्स। सो टेकिंग स्क्वेयर बोथ द साइड्स मीन्स यहाँ पे भी आप स्क्वेयर ले ले और सिक्स का भी स्क्वेयर ले ले। सो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो टी इज इक्वल टू वट, टी इज इक्वल टू 36। सो ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलो फर्स्ट में इस थ्री को साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। सो मीन्स टू इंटू फाइव एक्स स्क्वेयर रूट, ठीक है, ये आप लोगों के पास स्क्वेयर रूट में हो जाएगा। इस थ्री को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि वजह ये कि यहाँ पे लिख लूँ प्लस थ्री और प्लस थ्री राइट साइड पे करूँ। सो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये माइनस है तो उस साइड पे शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं प्लस थ्री लिख रहा हूँ, सो मीन्स टू इंटू फाइव एक्स स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू
टेन। अब इस टू को हमने ख़त्म करना है, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई टू, ठीक है। आप लोगों ने लिखना होगा डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई टू ये, ठीक है। लेकिन चूंकि आप लोगों का वीडियो का टाइम बढ़ेगा तो इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करवा रहा हूँ। अब ये थ्री टू टू के साथ कैंसिल हो गया और टू फाइव ज़ार टेन, सो मीन्स फाइव स्क्वेयर रूट, फाइव एक्स स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू फाइव। सो ये आप लोगों का स्टेप वन कम्प्लीट हो गया, मीन्स जो रेडिकल साइन वाला था वो हमने एक साइड पे और जो नान वो था उसको। अब टेकिंग स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर बोथ द साइड मीन फाइव एक्स स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट साइड पे भी आप स्क्वेयर ले लें, सो दैट इज़ व्हाट फाइव होल स्क्वेयर, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो मीन्स फाइव एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, फाइव स्क्वेयर मीन्स फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव ट्वेंटी फाइव। सो अब हम इस फाइव को ख़त्म करते हैं डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई फाइव, ठीक है। लेफ्ट साइड को भी आप फाइव से डिवाइड करें और राइट साइड को भी डिवाइड करें फाइव से, सो एक्स इज इक्वल टू फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव, एक्स आप लोगों का फाइव, ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवन में आप लोगों ने प्लस एट है यहाँ पे, तो इसको उस साइड पे शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ क्या टू एक्स माइनस सेवन होल स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू एलेवन अपनी जगह है, और इस एट को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सो दैट इज़ व्हाट माइनस एट, ठीक है। सो मीन्स टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू व्हाट आप लोगों के पास यहाँ से 11 माइनस एट दैट इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब इस ये सॉरी स्क्वेयर रूट में है, सो टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ द साइड्स मीन्स टू एक्स माइनस सेवन स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री स्क्वेयर, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पे ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री स्क्वेयर, थ्री थ्री ज़ार नाइन, ठीक है। अब इस सेवन को हमने ख़त्म करना है, सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो उस साइड पे शिफ्ट करने से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो नाइन प्लस सेवन सो मीन्स टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा सिक्सटीन, नाइन प्लस सेवन डेट इज इक्वल टू सिक्सटीन। अब इस टू को ख़त्म कर दें, सो हमने एक्स मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई टू means 2x divided by 2 is equal to 16 divided by 2, ठीक है। ये आपस में कैंसिल और 6 2 8 जार 16, सो मीन्स x is equal to what 8, ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अगर आप लोग चेक करें सो ये 27 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड पे सारे, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने से ये क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू आप लोगों के पास राइट साइड पे रह जाएगा दैट इज़ फोर्टी माइनस थ्री वाई स्क्वेयर रूट, ठीक है। सो ट्वेंटी टू माइनस सेवनटीन फाइव इज इक्वल टू फोर्टी माइनस थ्री वाई, लेकिन ये स्क्वेयर रूट में है, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वेयर बोथ द साइड्स फाइव स्क्वेयर और राइट साइड का भी आप स्क्वेयर ले लें फोर्टी माइनस थ्री वाई स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर, ठीक है। सो आप लोगों के पास राइट साइड पे ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो रहा है और लेफ्ट साइड पे फाइव स्क्वेयर विच विल इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फोर्टी माइनस थ्री वाई। अब इस 40 को आप लोग क्या करो इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, तो यहाँ पे 40 प्लस है तो लेफ्ट साइड पे ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 25 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों के पास 25 माइनस 40 सो दैट इज़ माइनस 15 हो जाएगा, क्यों क्योंकि 40 आप लोगों के पास माइनस साइन है और ज़्यादा है, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास माइनस और माइनस थ्री वाई, सो हमें वाई की कीमत चाहिए, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय माइनस थ्री, सो इसको भी आप माइनस थ्री से डिवाइड करें और इसको भी आप माइनस थ्री से डिवाइड करें, सो ये थ्री और थ्री आपस में कैंसिल हो रहा है माइनस साइन के साथ, यहाँ पे ये माइनस माइनस और फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, ठीक है। सो मीन्स
आप लोगों का जो 5 इज इक्वल टू वाई, ये आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 5 इसका सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। सो ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। सो एक्सरसाइज 7.2, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।